जी जी हुक्म करें, क्या मसला है? डॉक्टर साहब मेरे को ताजी झूठी सुई है कहा। अच्छा, मुबारक हो। ते ओदे जी थाना दे उपली शहर ते हवाने दे विच गिल्टियां वा। गिल्टियां वा? हां जी। अच्छा, गिल्टियां ठीक हो जाएंगी? ते मतलब दूध रुक रुक के आंदा। रुक रुक के? अच्छा, खून वगैरह या पीप वगैरह नहीं आंदी? ठीक है, सिर्फ गिल्टियां हैं। हां जी। आप इस तरह करें ना, हां जी, एक होम्योपैथी का नुस्खा लिखें। लिखाओ जी। आप लें, दो बोतलें लेनी है। अच्छा जी। ये होम्योपैथी के अच्छे से स्टोर से चले जाएं। हाँ जी। और वहाँ उनको कहें कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर? हाँ, बोतल। हाँ, कलकेरिया फ्लोर। हाँ जी। 6X, ये पोटेंसी होगी उसकी। 6X? हाँ, 6X। एक ये कलकेरिया फ्लोर 6X। हाँ, और दूसरे नंबर पे कोनियम 200। कोनियम 200? हाँ जी। हाँ, ये जी दोनों ले लेनी है। हाँ जी। और ये 10-10 कतरे पेड़े में डाल के ना। हाँ जी। रोजाना सुबह और शाम 10-10 कतरे पेड़े में डालकर। हाँ जी, सुबह और शाम। सुबह और शाम। हाँ, इंशाल्लाह ये आप बोतलें देखेंगे खत्म होंगी ना। हाँ जी। तो इसकी ये सारी गिल्टियां तहलील हो जाएंगी। डॉक्टर साहब कोई थान खराब होने का मसला नहीं? हाँ मेरी जान, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब दूसरा मसला ये है जी, हुक्म। माजे मेरे को जी 4-5 महीने हो गए रसोई नु। अच्छा। वो जी एक तो खाल नहीं खांदी। अच्छा। एक दूसरा ये कि वो कभी दूध घटा जाती, कभी बधाती है, मतलब घटा जाती बहुत ज्यादा, पाया उन्हें रहती है। अच्छा। दूध जो महक बहुत आती है। महक आती है बहुत ज्यादा आती है जी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक दो दिन। हाँ जी, आप लिखें। लिखाओ जी। उसकी महक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ जी। एक तो नंबर एक लिखें, उसको एक टीका लगाना है। अच्छा, लिखाओ जी। विटामिन ए। विटामिन ए। ए डी। डी। 3E। 3E। 3 तीन लिखें, 3 तीन ई। ठीक है, ये टीके का नाम है। अच्छा जी। विटामिन ए डी 3E। हाँ जी। ये जब लगाएंगे ना। हाँ जी। ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, ये ऐसे जैसे बहाना कर रहे थे, इसकी जो बदबू है वो खत्म हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक तो ये करें। हाँ जी। दूसरा ये है कि इसको अगर आप वंडा डाले ना, जो बना बनाया। डॉक्टर साहब खांदी कुछ नहीं ना वंडा ना खाल वगैरह खांदी नहीं। अच्छा, फिर इसके इस तरह करें, स्टॉमिक पाउडर। हाँ जी। स्टॉमिक पाउडर दें इसको। स्टॉमिक? स्टॉमिक पाउडर। स्टॉमिक पाउडर जी। हाँ, ये अगर बाजार से मिल जाए तो ठीक है। हाँ जी। ना हो तो घर में बना लें। अच्छा जी। पाउडर आप घर में बनाना चाहेंगे या बाजार से लेंगे? बढ़िया बनाए, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ जी। तो फिर वो इसको दें रोजाना एक पिनी ना। हाँ जी। स्टॉमिक पाउडर की, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला खाना पीना शुरू कर देगी। हाँ जी। दूसरा ये है कि इसको अगर मोटी इलायची एक छटाक ले लें। हाँ जी, मोटी इलायची एक छटाक। और आधा पाव ले लें मीठा सोडा। आधा पाव मीठा सोडा। और एक पाव गुड़। एक पाव गुड़। इसको भी कूट के ना, ये भी 3 दिन रख दें। मोटी इलायची एक छटाक, आधा पाव मीठा सोडा। आधा पाव मीठा सोडा। और एक पाव गुड़। और एक पाव गुड़। इनको अच्छी तरह कूट के ना। हाँ जी। इसको अच्छी तरह, अच्छी तरह इसको, और आप इसकी भी पिनिया पिनी बना के इसको खिलाएं। अच्छी तरह कूट कर पिनिया, एक के दो पिनी दो बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। एक मिनट डॉक्टर साहब जी, हुक्म। डॉक्टर साहब 40 के 42 बूटे मैं किनों दे लाए है जी। अच्छा जी। वो पत्ते उपरो कट्ठे हो जाते हैं, तो जिस तरह सुंडी नी। हाँ जी। थले पत्तियां दे जिस तरह सुंडी माँ कोई चीज होती, जिस तरह प्लास्टिक कवर करते हैं। समझ गया। वो बहुत मारी पत्ते खराब हो जाते, दरख्त पूरे चलते नहीं। ठीक है। तो दूसरा है कि अनारा ने बूटे लाए जो सारे झड़ी जाते हैं, अच्छी भी नहीं पानी लाई दी। अच्छा, मेहरबानी फरमा के बारे को दस। नहीं, अल्लाह ताला ठीक करेगा। एक पहले तो इस तरह करें, कराटे का स्प्रे मार दें सारे बाग को, बाग के ऊपर। अच्छा जी। ठीक है, ठीक है। कराटे का ये कीड़े जो वो कह रहे हैं ना सुंडी नुमा। हाँ जी। ये सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी। एक तो ये कर लें। हाँ जी, कराटे का। और दूसरा जो कहा ना आपने अनार का। हाँ जी। अनार को बहुत ज्यादा पानी भी ना दें। अच्छा जी। कम पानी दें। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा सोखा भी लगा देना। ठीक है जी। अब ये मौसम भी बदल रहा है, गर्मी है बहुत ज्यादा। हाँ जी। और इसकी वजह से जब मौसम बदले ना। हाँ जी। तो ये फूल झड़ते हैं। ठीक है। एक नंबर एक। नंबर दो, अगर पानी भी अगर फ्लक्चुएशन। हाँ जी। फ्लक्चुएशन तो समझते हैं या नहीं?
कभी आपने आसान तो सही थोड़ा है। चल आसान बताता हूँ, अच्छा कभी आपने देखा बिजली बहुत ज्यादा आ जाती है, कभी बहुत कम होती है, हाँ जी हाँ जी समझ गए, देखा है ना। हाँ जी तो ये इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन। हाँ जी तो अगर पानी बहुत ज्यादा कभी दे दें, कभी बिल्कुल ही ना दें, हाँ जी सोका लगा दें, हाँ जी तो इससे भी फूल गिर जाते हैं। वो 2-3 हफ्ते तो पानी बहुत ज्यादा ला रहे हैं, बहुत ज्यादा ना लगाएं, हाँ जी ठीक हो जाएगा। उन्होंने पानी से बंद कर दिया, अनार का पानी बंद करो, उनको ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है वैसे भी नहीं लगाना चाहते, ठीक है जी। और जब फल लग जाता है, ज्यादा लोग लगाते हैं तो फट जाते हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब जी, बस अब और भी नहीं, पूरे पाकिस्तान से कॉल से आपको रब्ता करना इसी वक्त हो सकता है ना।